स्वास्थ्य मुसीबत के इस दौर में एक और जहां आम जनता परेशान हो रही है, वहीं जिम्मेदार अधिकारी इतने लापरवाह हैं कि इन्हें इस बात की खबर ही नहीं है कि मुनाफाखोर इस आपदा को भी अवसर में बदल रहे हैं। मामला ग्वालियर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का है, जहां ड्रग इंस्पेक्टर की लापरवाही का क्या आलम है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। सरकारी अस्पताल फुल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में मजबूरी में मरीजों को निजी अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है, जहां लूट खसोट के जो हालात हैं वह सोशल मीडिया पर कितनी ही बार पीड़ितों द्वारा वायरल किए जा रहे हैं, लेकिन न जाने क्या कारण है कि प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। पीड़ित साफ बयां कर रहा है कि किस तरह उसने एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए 5000 MRP का रेमडेसिविर 15000 में खरीदा। चेतन सेठ मेरा नाम है। रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है, कोवी-4 जिसे कहते हैं हम। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 8 से 10 हज़ार रुपये का मार्केट में बिक रहा है, मैं उस पर MRP जो रेट है वो 5400 रुपये है। मैंने मार्केट से 6 इंजेक्शन एक साथ लिए थे परिधि हॉस्पिटल से, तो वो मुझे 42000 रुपये में दिए गए थे 6 इंजेक्शन। उसके बाद एक इंजेक्शन फूट गया तो मुझे काफ़ी बहुत सा ग्वालियर में परेशान होना पड़ा और वो आखिरकार मुझे इंदौर से मंगाना पड़ा 15000 रुपये में एक इंजेक्शन। तो ऐसे ही हम ग्वालियर में देख रहे हैं। ग्वालियर में ही नहीं, सब जगह मध्य प्रदेश में स्थिति ऐसी ही बनी हुई है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो मार्केट में मिल नहीं रहा है। अगर मिल रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है, ना तो मेडिकल वाले उसका बिल देते हैं ना कोई देते हैं। हम पेमेंट का भी हम कहेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट ले लो, तो वो ऑनलाइन पेमेंट लेने को भी तैयार नहीं है, कैश पेमेंट लेते हैं। उसके बाद 7 से 8 हज़ार रुपये में कैप्सूल इंजेक्शन दिया जा रहा है और उसकी MRP रेट है 5400 रुपये। मामले में ड्रग इंस्पेक्टर ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि पूरे देश में सप्लाई प्रभावित हो रही है, इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग पर उन्होंने कहा कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली है, अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई करेंगे। अभी तो क्या है, सप्लाई पूरे ऑल इंडिया के लिए एक्चुअली में एक साथ लग रहा है, तो सप्लाई कम हो पा रही है, इस कारण थोड़ा लोगों को परेशानी आ रही है। तो फिर भी हमारे द्वारा ये ट्रैक किया जा रहा है कि कहाँ से कितना इंजेक्शन आ रहा है, जो एकदम ज़रूरतमंद है उनको उपलब्ध हो जाए, ऐसे पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा तो एकदम कोई स्पेसिफिक मामला हमारी संज्ञान में नहीं आया। अगर कोई ऐसा हमारे को जानकारी मिलती कि ऐसा कोई कर रहा है तो ज़रूर इस पर कार्रवाई किया जाएगी, प्रशासन और पुलिस की मदद लेकर इसमें नियमानुसार जो भी अच्छी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। हाँ, तो वो जो डीलर जो भी है, लगभग अधिकांश वो क्या है, कोविड हॉस्पिटल में सप्लाई कर रहे हैं, उनके द्वारा हम रिकॉर्ड भी देखा गया है। तो वो लेकिन क्या है, सप्लाई के तुलना में मांग ज़्यादा होने से मरीजों को काफ़ी कुछ लोगों को परेशानी आ रही है। बहरहाल इस लापरवाही की वजह से जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। अपने मरीज की गंभीर हालत देखकर परिजन रेमडेसिविर की तलाश में भटक रहे हैं और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर विक्रेता मनचाहे दाम उनसे वसूलता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है कि गंभीर मरीज तक आवश्यक दवाओं की सप्लाई सुनिश्चित की जाए? क्या ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि खुद जाकर काला बाजारियों पर नकेल कसे, या इनका काम केवल यही है कि अपनी कुर्सी पर बैठकर शिकायत का इंतजार करते रहें? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, ग्वालियर।